अस्सलामुअलैकुम। आज मैं नमकीन गोश्त की रेसिपी तैयार करूंगी। उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 2 किलो बीफ का गोश्त, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टी स्पून गर्म मसाला, 1/2 टी स्पून पिसी हुई हल्दी एंड फुल टी स्पून नमक, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 छोटे साइज़ का टमाटर, 3 से 4 अदद हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून काली मिर्च और 1 गिलास पानी। कुकर में पहले सारा मैं गोश्त ऐड करूंगी। अब मैं इसके अंदर बाकी सारे मसाले ऐड करूंगी, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, काली मिर्च, नमक। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी, 1 बड़ा गिलास। अब मैं इसे हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा फिर मैं इसका प्रेशर लगा दूंगी। इसमें जो मैंने पानी ऐड किया था वो बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसे अच्छे से एक दफ़ा हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसका प्रेशर लगा दूंगी। पूरे 15 मिनट बाद मैंने इसका प्रेशर खोल लिया है। ये तकरीबन गल चुका है। अब इसके अंदर जो पानी है वो खुश कर लूँगी। मैं इसे अच्छे से भून लूँगी और साथ ही इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। मैंने इसे भून के इसका पानी खुश्क कर लिया है। अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी, 1 प्याली। और इसे अच्छे से भून लूँगी। कुकिंग ऑयल डाल के मैंने इसे भून लिया। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ग्रेवी के लिए पानी ऐड करूंगी, 1/2 जग। और इसका ढक्कन लगा के रख दूंगी। पानी ऐड करने के बाद पूरे 5 मिनट मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पे। ये बन चुका है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी। इसके अंदर मैं सूखी मेथी ऐड करूंगी खुशबू के लिए और फौरन इसका ढक्कन लगा के रखूंगी कुछ देर के लिए। नमकीन गोश्त बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसे ट्राई करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।